Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video I'm really excited. Reason being because I'm making something really unique. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर. खीर लेकिन चावल की नहीं, ना ही साबूदाने की, ना ही दलिए की. मैं बनाने जा रही हूँ दही की खीर. इट्स अ योगर्ट खीर. जो इंग्रेडिएंट्स मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है. आपको ये नहीं है कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा लाने के लिए. मैंने तो मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो आप दूध को अच्छे से उबाल के उसको अच्छे से गाढ़ा करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. आप इस रेसिपी को आप तभी भी बना सकते हैं जब आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा, या आपको मीठा खाने का क्रेविंग है बट यू आर अफ्रेड ऑफ टू मच ऑफ स्वीट. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ पुडिंग. आई एम रियली एक्साइटेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रेड एप्पल, स्वीट लाइम, कीवी, प्योर मैंगो, आलमंड्स, हनी, मिल्कमेड एंड कर्ड. यू कैन ऑल्सो टेक एनी अदर फ्रूट इफ़ यू वॉन्ट. तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी मिल्कमेड लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसको विस्क करूँगी जब तक उसमें ऐसे बबल्स ना हो जाए. एंड आई विल कीप इट असाइड. मैंने फ्रूट्स को कट कर लिया है, मैंगो, आलमंड्स को चॉप किया है, देन स्वीट लाइम, कीवी, पियर्स और एप्पल. और अब मैं कैरामलाइज कर रही हूँ स्वीट लाइम को. आप चाहे तो ऑरेंज को भी कर सकते हैं, और अगर लीची अगर है आपके पास तो आप लीची को भी कैरामलाइज कर सकते हैं. जो हमने मिल्क मेड और वाटर का मिक्सचर रखा था उसको हम फिर से विस्क करेंगे और उसके अंदर 2 लीटर कर्ड का डालेंगे और फिर उसको अच्छे से विस्क करेंगे जब तक वो थोड़ा क्रीमी ना हो जाए ऐसा. और फिर उसके अंदर सारे जो भी हमने फ्रूट्स काटे वो सारे हम डाल देंगे सिवाय कैरामलाइज स्वीट लाइम और आलमंड के. वो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे. सबको डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे. डालेंगे हनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. यू कैन ऑल्सो ऐड वाइट शुगर और ब्राउन शुगर. यू कैन ऑल्सो ऐड द सिरप ऑफ जैगरी इफ़ यू वॉन्ट. फिर हम उसको एक लास्ट टाइम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी कर्ड खीर रेडी है. तो हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 लीटर खीर डालेंगे और उसको गार्निश करेंगे कैरामलाइज्ड स्वीट लाइम से. जैसे मैंने पहले कहा, आप ऑरेंज या लीची को भी कैरामलाइज करके गार्निश कर सकते हैं. अब मैं डालूँगी थोड़े चॉप्ड आलमंड्स, अ स्लाइस ऑफ मैंगो. इसके अंदर आप ग्रेप्स भी डाल सकते हैं. मैंने फ्रेश पोमग्रेनेट डाला है, ऊपर से एक फ्रेश मिंट लीफ. एंड इट्स रेडी. चिल इट एंड सर्व इट.